नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल से प्रोफेशनल कार्टून वीडियो कैसे बनाते हैं। अगर आप लोग भी कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताऊँगा और मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाकर भी दिखाऊँगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखें प्ले स्टोर ओपन हो गया है। यहाँ सर्च वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें सर्च करना है कार्टून वीडियो मेकर, यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए फर्स्ट शो कर रहा है ट्वीन क्रॉफ्ट, यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने बाद यहाँ देखिए ओपन पे क्लिक करते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखिए सिलेक्ट कंट्री, यहाँ देखिए कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ देखिए इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए सिलेक्ट लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ देखिए हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और फिर यहाँ देखिए एज, आप अपने देखिए एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप एज को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए जेंडर, मेल फीमेल अदर जो करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। मैं देखिए मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। और फिर यहाँ देखिए उनको रहा प्रीफ्रेंस, और यहाँ देखिए फ़नी मूवी पॉलिटिक्स जो जिस तरह की आप वीडियो देखें कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं देखिए ऐसे फ़नी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो दोस्तों आप जो जो सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे देखिए डन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे बस इतनी सेटिंग कर देना है और फिर यहाँ देखिए यहाँ बीच में ऑप्शन शो कर रहा है प्लस का, यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ लेट्स स्टार्टेड यहाँ पे क्लिक करते हैं। ट्यूटोरियल प्रोग्रेस ये ऑप्शन शो कर रहा है, हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ देखिए कैरेक्टर ऐड करेक्टर ये ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए चूज कैरेक्टर, जो आप कैरेक्टर को लेना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। मैं देखिए कोई कैरेक्टर को देखिए ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ही एक कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ऐड हो रहा है और यहाँ देखिए डाउनलोड हो गया है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए ये कैरेक्टर ऐड हो गया है और जितना एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इसे मूव कर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ और फिर देखिए इसको इस तरह कर लेता हूँ। और दोस्तों फिर देखिए जिस तरह इसे मूवमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, देखिए जिस तरह पैर का मूवमेंट करना चाहिए उस तरह कर सकते हैं। और जैसे आप देखिए कोई इसको वॉइस देना चाहते हैं या क्या बोले, तो आपको यहाँ देखिए वॉइस वाले पे क्लिक करके देखिए वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है, ये हो जाएगा। फिर आप जैसे दूसरा करेक्टर को ऐड करना चाहते हैं फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ देखिए करेक्टर पर क्लिक करना होगा, जो करेक्टर को फिर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर क्लिक करना होगा। और फिर देखिए डाउनलोड हो रहा, यहाँ देखिए डाउनलोड हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ये देखिए भी करेक्टर ऐड हो गया, जितना मूव करना चाहें कर सकते हैं, जैसे मूवमेंट आप इनको देना चाहें वो कर सकते हैं। और देखिए सर वगैरह जितना भी जिस तरह करना चाहें वो कर सकते हैं। और जैसे वॉइस आप देना चाहते हैं तो यहाँ देखिए वॉइस वाले पे क्लिक करके देखिए अपनी वॉइस भी दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इतना सब कुछ मैं कर दिया हूँ, फिर और कुछ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए करेक्टर बैकग्राउंड ऐड म्यूजिक ऐड टेक्स्ट इम्पोर्ट इमेज, जो भी ऐड इसमें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं देखिए कोई भी एक बैकग्राउंड को ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए ये वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ देखिए बैकग्राउंड देखिए चेंज हो गया है। दोस्तों इसी तरह देखिए आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, बस आपको इतना ही कर देना है। फिर कोई साउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ साउंड पे क्लिक करके देखिए साउंड भी ऐड कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद फिर क्या करना चाहिए वो भी बता देता हूँ। दोस्तों मैं देखिए वॉइस दे दिया हूँ और फिर यहाँ देखिए हम सो रहा सेव फ्रेम, यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए इतना करेक्टर ऐड करके दिखा दिया हूँ, वो तो आप जैसे एक एक करके देखिए चेक करके उसी तरह देखिए आप कार्टून वीडियो बना सकते हैं। फिर आपको जैसे प्ले करना है तो यहाँ प्ले पे क्लिक करके देखिए प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्ले करने के बाद देखिए ऐसा ये दिखेगा, यहाँ पे देखिए स्टॉप कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप लोग VFX देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे इफेक्ट देना है तो इफेक्ट वाले पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे साउंड देना है तो साउंड वाले पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप लोग बहुत आसानी से अपने मोबाइल से ही कार्टून वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।